हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाली समस्या और उनका समाधान लेकर हम इस वीडियो में प्रस्तुत हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को यह मालूम है कि यह प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेगा, लेकिन हर तीन मॉड्यूल 15 दिन की अवधि तक ही मान्य होंगे। उसके पश्चात वो ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिए जाएंगे, वो मॉड्यूल डिलीट कर दिए जाएंगे, जो अब तक की जानकारी के अनुसार। इस वक्त कम समय होने के तथा समस्याएं अधिक सामने आने से प्रशिक्षण पूर्ण होने में कठिनाइयां आ रही हैं। उन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु इस वीडियो को लेकर हम आए हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो वीडियो का शीर्षक है दीक्षा प्रशिक्षण समस्याएं। दीक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाली समस्याएं और उनको समाधान हम इस वीडियो के अंदर ही ढूंढते हैं। कुछ साथियों का मोबाइल पुराना है, कुछ साथियों का मोबाइल सैमसंग कंपनी का है, वो क्या करें। कुछ साथियों का मोबाइल पुराने वर्ज़न का है, 4.4 का है, तो वो क्या करें। उनके में ये काम नहीं चल रहा है, ये दीक्षा ऐप काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करें। कुछ साथियों का एरर प्रदर्शित होता है जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, तो ऊपर लिखा आता है एरर। कुछ साथियों का सर्वर एरर ऑफ फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि अपने स्टाफ में भी समस्याएं सामने आई हैं और उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। कुछ के मोबाइल में वीडियो नहीं चल रही है, तो वो क्या करें। कुछ का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें। कुछ साथियों का प्रशिक्षण अविरत प्रदर्शित हो रहा है, तो वो क्या करें। कुछ साथियों का कंटेंट नहीं चल रहा है, वो क्या करें। मैंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, लेकिन मेरी प्रगति 100% प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्यों। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम इस छोटी सी वीडियो में लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि यह वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है तो ये पूर्ण आपको देखनी ही होगी। तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल किस कंपनी का है यह चेक करें। यदि सैमसंग का है तो हम इसके लिए दो तरीके बताएंगे। प्रथम तरीका है एक्सचेंज। इसमें आप अपने घर में यह देखें कि अगर दूसरा मोबाइल दूसरी कंपनी का है, तो आप अपना मोबाइल अपने घर के उस सदस्य को दे दें और अपना मोबाइल उसको दे दें और उसका मोबाइल अपने आप खुद ले लें। तो इस तरह से एक्सचेंज करने से कंपनी जब चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा, तो संभव है कि आप ये दीक्षा ऐप का कंटेंट चल पड़े। लेकिन अगर इतने पर भी नहीं होता है, तो संभव है कि आपको बाज़ार जाकर नया मोबाइल ख़रीदना ही होगा। लेकिन परेशान नहीं होइए, इसका भी एक सॉल्यूशन है जो हम वीडियो के बीच में बताएंगे। आप देखते रहिए और आगे बढ़िए। इससे पहले हम कोई नया तरीका बताएं, इससे पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि यदि पुराना मोबाइल का वर्जन है
मोबाइल का वर्ज़न 4.4 का वर्ज़न है तो आपको कम से कम 5.1 वर्ज़न से कम का मोबाइल नहीं होना चाहिए। इससे कम पर दीक्षा ऐप सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपको दीक्षा ऐप चलानी है तो कम से कम 5.1 वर्ज़न का मोबाइल होना ही चाहिए। लेकिन अब हम ये कैसे मालूम करें कि हमारा मोबाइल कितने वर्ज़न का है? इसके लिए हम आपको स्टेप बता रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। निर्देश जो हम बता रहे हैं उन पर फॉलो करते चलिए, आप सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। मोबाइल की सेटिंग दो जगह से देखी जा सकती है। देखिए, कुछ लोगों को बहुत कम नेट चलाना आता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। प्रथम, आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेटिंग का फोल्डर प्रदर्शित हो रहा होगा, उसका पता करें कहाँ पर है। उस फोल्डर के नीचे सेटिंग लिखा होगा, उस पर क्लिक करें या उंगली टच करें। अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अबाउट फोन खोजना होगा। जब नया पेज खुल जाएगा तो आपको अबाउट फोन लिखा हुआ देखना होगा। अब आप उंगली से नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, मतलब ऊपर की ओर करेंगे, तब तक करते रहें जब तक अबाउट फोन लिखा न आ जाए। अबाउट फोन को क्लिक करेंगे या उंगली से टच करेंगे, टच करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आप एंड्रॉयड वर्जन में लिखा हुआ दिखाई देगा, उसी के सामने अथवा नीचे 4.4 अथवा 5 वर्जन या जिस वर्जन का भी आपका मोबाइल है वो वर्जन नीचे लिखा होगा या साइड में लिखा होगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका मोबाइल कितने वर्जन का है। सेकंड मेथड है अबाउट फोन में जाने के लिए। इसके लिए अपने मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर में सर्किल सा खुदरा सा बना होगा। इसके लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की ओर सर्किल सा वह दिखाई देगा। इसे टच करने पर अब आप अबाउट फोन के लिए वह प्रोसेस करें जो पहले प्रथम तरीका मैंने बताया है, प्रथम मेथड बताया था इसमें अबाउट फोन में जाने के लिए। इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं? ए, एंड्रॉयड संस्करण 4.4 HTML5 का समर्थन नहीं करता है। एंड्रॉयड संस्करण 4.4 HTML5 का समर्थन नहीं करता है। इसी कारण कंटेंट नहीं चलाए जा सकते। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कंटेंट आपको चलाना है, दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो आपका एंड्रॉयड 4.4 का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन इसका भी समाधान हमने आगे बताया है। कंटेंट को चलाने हेतु निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना आवश्यक है। नंबर 1, एंड्रॉयड 5.1 या उससे ऊपर का जितना भी हो अच्छा रहेगा, मतलब 5.1 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर नीचे भी होगा, 4.4 का भी होगा, तो उसका भी समाधान हमने आगे बताया है। 5.1 के ऊपर का संस्करण अपडेट करें। दीक्षा मोबाइल ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। दीक्षा मोबाइल ऐप का नवीनतम संस्करण कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी पर लिखते चले जाइए। नवीनतम संस्करण अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम अपने मोबाइल ऐप की स्क्रीन पर जाएंगे और वहां पर प्ले स्टोर ऐप को ओपन करेंगे। किसको करेंगे? प्ले स्टोर ऐप को। यहां पर ऊपर की तरफ सर्च फॉर लिखा होगा। जब आप प्ले स्टोर ऐप खोलेंगे तो वहां ऊपर की तरफ सर्च फॉर लिखा होगा, उसमें दीक्षा ऐप लिखें। उसके बाद सर्च बटन को क्लिक करें अथवा टच करें। मोबाइल के नीचे राइट कॉर्नर में यह आपको बटन मिल जाएगा, इसको टच करना है, बस सर्च हो जाएगा। सर्च करने पर नया पेज खुल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में इंस्टॉल लिखा होगा, तथा राइट साइड में ओपन तथा अपडेट लिखा दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में इंस्टॉल लिख रहा है और राइट साइड में क्या लिख रहा, अपडेट। तो इनमें से एक चीज़ ही दिखाई देगी, या तो अपडेट लिखा दिखाई देगा या ओपन। अगर आपका मोबाइल अपडेट मांग रहा है तो अपडेट लिखा आएगा, अगर आपका मोबाइल अपडेट नहीं मांग रहा है तो ओपन लिखा आ जाएगा। तब आपको अपडेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अपडेट करने के लिए देखिए, यदि अपडेट लिखा है तो आपको अपडेट को टच करें। जहां अपडेट लिखा हुआ है उसको टच करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने पर अपने प्ले स्टोर से पूर्वभांति की तरह आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने अपडेट के स्थान पर ओपन लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है तो ये अपडेट हट जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, ये ओपन लिखा हुआ मिलेगा। तो डाउनलोड होने पर अपने प्ले स्टोर से पूर्व की भांति तरह आएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट के स्थान पर ओपन लिखा मिलेगा। और आप एक बार दीक्षा ऐप को लॉगिन करके भी देख सकते हैं। अगर आपको और भी समस्या है तो एक बार आप दीक्षा ऐप को लॉगिन कर लें या किसी साथी से करा लें। अगर आप कहेंगे तो लॉगिन करना भी हम आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अपडेट करने से अथवा लॉग इन करने से, मोबाइल के एक्सचेंज करने से, दूसरा मोबाइल खरीदने से दीक्षा ऐप की काफ़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को अवश्य कर लें। अब हम बताते हैं, एंड्रॉयड संस्करण 4.4 HTML5 समर्थन नहीं करता है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए। इस समस्याओं को हल करने के लिए अभी हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल एक्सचेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही बाज़ार से खरीदना पड़ेगा और ना ही शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं हम। यह ऐप जो हम बताएंगे आपको, यह मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप का नाम है क्रॉस वॉक। अब आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर के सर्च बार में जैसा हम पहले बता चुके हैं, सर्च बार में क्रॉस वॉक लिखना होगा। सर्च बार के नीचे क्रॉस वॉक प्रोजेक्टर रन टाइम लिखा होगा, ये वाला नीचे लिखा होगा क्रॉस वॉक के नीचे, उसको टच करेंगे अथवा क्लिक करेंगे। यह 28 MB की होगी और आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। इस ऐप से दीक्षा ऐप के सभी कंटेंट चल सकते हैं। यह पुराना मोबाइल है अथवा 4.4 वर्जन वाले मोबाइल तो इसको डाउनलोड कर लें तो चल जाएगा, काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैंने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है लेकिन मेरी प्रगति
100% प्रदर्शित नहीं हो रही, क्यों? तो इसका समाधान हम ढूंढते हैं इस समस्या का। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि दीक्षा में सारे वीडियो देखने पर या PDF दस्तावेज पढ़ने के बाद ही 100% पूरा माना जाता है या माना जाएगा। अगर आप किसी दस्तावेज के पेज को छोड़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं देते हैं अथवा वीडियो के आंशिक भाग ही देखते हैं, मतलब पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ भाग ही देखते हैं, तो प्रशिक्षण अथवा आपकी प्रगति 100% नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप मनोयोग से पूरी वीडियो देखें, प्रतिलेख पढ़ें और कोई भी भाग ना छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय।